हे ब्यूटीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज के वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ लैक्टो कैलामाइन का छोटा सा रिव्यू एंड इसके यूज़ेस की आप इसको डिफरेंट डिफरेंट वेज में कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको तीन डिफरेंट वेज बताने वाली हूँ जिससे आप लैक्टो कैलामाइन को अपने फेस पे, अपने बॉडी पे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि आखिर आप लैक्टो कैलामाइन को डिफरेंट वेज में कैसे यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अब तक मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। सो बिना लेट किए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो मैंने लैक्टो कैलामाइन का पैक खरीदा है वो है ये ग्रीन कलर का। हमें मार्केट में दो तरीके के लैक्टो कैलामाइन के बॉक्सेस देखने को मिलते हैं, एक जो है वो ग्रीन कलर का होता है एंड एक जो है वो पर्पल कलर का होता है। अगर मैं पर्पल वाले की बात करूँ तो वो स्पेशली फॉर ऑयली स्किन होता है, तो मेरी जो स्किन है वो ऑयली नहीं थी तो ऑब्वियसली मुझे इस ग्रीन वाले को ही पिक करना था। और ये जो ग्रीन वाला है वो है कॉम्बिनेशन टू नॉर्मल स्किन। अगर आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है, नॉर्मल स्किन है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। मेन जो लैक्टो कैलामाइन का यूज़ होता है वो होता है आपके फेस में ऑयल को बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप इस लैक्टो कैलामाइन को डिफरेंट डिफरेंट वेज में कैसे यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं आपको इसका छोटा सा रिव्यू भी देने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो बॉटल है वो 60 ml की है। ये छोटी सी बॉटल आपको 60 ml की मिल जाती है और इसकी जो प्राइस है वो है 128 रुपीज़। यहाँ पे MRP 128 है, बट अगर आप इसे ऑनलाइन देखते हैं तो ये आपको 100 रुपये, 110, 120 अप्रोक्स इस टाइप में मिल जाती है। और इसका जो मेन वर्क होता है वो होता है आपके फेस से एक्सेस ऑयल को रिमूव करना। तो लैक्टो कैलामाइन मुझे यूज़ करना बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे लगता है आपको भी पसंद आ जाएगा अगर मैं आपको इसके डिफरेंट डिफरेंट यूजेस बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ इसके इंग्रेडिएंट की। सबसे पहला जो इसमें इंग्रेडिएंट है वो है कैओलिन, जिसमें कि नेचुरल मिनरल्स होते हैं जो कि आपके फेस से एक्सेस ऑयल को रिमूव कर देता है बिना आपके फेस के न्यूट्रिशन को रिमूव किए हुए, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। और सेकंड जो है इसमें वो है जिंक ऑक्साइड, जिसमें कि होता है एंटी जर्म प्रॉपर्टीज जो कि आपके पोर्स को अनक्लॉग रखते हैं। एंड थर्ड इसमें होता है एलोवेरा जेल जो कि आपके फेस पे नेचुरल मॉइस्चर को बनाए रखता है और साथ के साथ आपकी स्किन को ड्राई होने से भी बचाता है। तो ये थे उसके मेन इंग्रेडिएंट्स जो कि आपके फेस के लिए किस तरीके से बेनिफिशियल है इसमें ये मेंशन है। तो इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो यही तीनों हैं। तो चलिए फिर आप देख लेते हैं कि आखिर मैं लैक्टो कैलामाइन को थ्री डिफरेंट वेज में किस तरीके से यूज़ करती हूँ। तो अगर मैं बात करूँ फर्स्ट यूज़ की, तो सबसे पहले मैं इसे यूज़ करना पसंद करती हूँ एज अ मॉइस्चराइज़र। जब मैं अपने फेस को वॉश करती हूँ या फिर मैं ऑब्वियसली नहा के निकलती हूँ तो अपने फेस को मुझे मॉइस्चराइज़ करना होता है। तो मॉइस्चराइज़र के लिए सबसे बेस्ट चीज़ होती है ये लैक्टो कैलामाइन, जो कि मैं हल्का सा लेती हूँ और अपने फेस पे इवनली स्प्रेड कर देती हूँ, और ये मेरे फेस को सडनली बहुत ही अच्छी तरीके से मॉइस्चर प्रोवाइड कर देता है और जो मेरा फेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एंड फर्म दिखता है। तो मुझे इसे एज अ फेस मॉइस्चराइज़र यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये था इसका फर्स्ट यूज़। आप चाहें तो आप भी इसे डेली यूज़ में एज अ फेस मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। इसका जो वर्क है वो बहुत ही अच्छी तरीके से होता है एंड गर्मियों के दिनों में ये तो आपके लिए एक वरदान की तरह काम करता है। तो फर्स्ट यूज़ था इसे एज अ फेस मॉइस्चराइज़र यूज़ करना। सेकेंड, मैं इसे यूज़ करती हूँ मेरे मेकअप के लिए। कभी कभार क्या होता है फ्रेंड्स, हम लोग को जाना होता है नॉर्मल पार्टी में और हर जगह पे फाउंडेशन लगाना हमें ओवर लगता है। तो अगर मुझे फाउंडेशन नहीं लगाना होता है या फिर मुझे उसका कवरेज जो है वो थोड़ा कम करना होता है तो मैं अपने फाउंडेशन में थोड़ा सा लैक्टो कैलामाइन मिक्स कर देती हूँ। तो ये उसकी कंसिस्टेंसी को काफ़ी ज़्यादा बटरी सॉफ्ट कर देता है एंड जब मैं इसे अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा नेचुरल कवरेज देता है, जिसे मैं कहीं पे भी अप्लाई करके जा सकती हूँ। मतलब कि वो जो कवरेज होता है वो तो ना ज़्यादा एक्स्ट्रा दिखता है ना कम दिखता है। तो ये है मेरा सेकेंड वेज लैक्टो कैलामाइन को यूज़ करने का। थर्ड, मैं इसे यूज़ करती हूँ एज अ बॉडी मॉइस्चराइज़र। आप सोचे होंगे फेस मॉइस्चराइज़र, बॉडी मॉइस्चराइज़र डिफरेंस क्या है। तो इसको बॉडी पे यूज़ करने के लिए इसमें मैं थोड़ा सा DIY करती हूँ। मैं लेती हूँ थोड़ा सा रोज़ वाटर, आप कह सकते हैं
दो से तीन ड्रॉप रोज वाटर एंड उसमें मैं थोड़ा सा लैक्टो कैलामाइन को ऐड कर देती हूँ। उसके बाद मैं इसे अपने बॉडी पे एज अ बॉडी मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लिक्विडी हो जाती है, तो ये हमारे बॉडी में बहुत ही ईजिली एब्जॉर्ब भी हो जाता है एंड हमारे बॉडी को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज कर देता है, बहुत ही स्मूथ बना देता है। तो ये थे मेरे तीन तरीके जिससे मैं लैक्टो कैलामाइन को यूज़ करती हूँ एंड गर्मियों के दिनों में आप इन तीनों तरीकों को यूज़ कर सकते हैं एंड समर में मुझे लगता है ये जो है बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करता है। आपको आपकी स्किन के अकॉर्डिंग इसको ज़रूर परचेज करना चाहिए। अगर आपकी ऑयली स्किन है जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ तो आप वो पर्पल वाला पिक कीजिएगा, बट अगर आपकी कॉम्बिनेशन टू नॉर्मल स्किन है या तो कॉम्बिनेशन हो या नॉर्मल हो तो फिर आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही था इस लैक्टो कैलामाइन से रिलेटेड। आई होप फ्रेंड्स आपको ये लैक्टो कैलामाइन का रिव्यू एंड इसके यूजेस ज़रूर पसंद आए होंगे। पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।